समाचार कंचन मिश्रा, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। हम आपको दिखाएंगे देश की सारी अहम खबरें। तो उससे पहले रुक करते हैं आज की ताजा खबरें। भगवान गणेश माँ लक्ष्मी के महाआरती सम्मान समारोह हुए संपन्न। कार्यक्रम के दौरान नशा मुक्त देश बनाने का लिया संकल्प। बहराइच थाना नवाबगंज के क्षेत्र चरदा जमोग के बिलासपुर गांव पंचायत चौंगोई बिलासपुर में भगवान गणेश माता लक्ष्मी की प्रतिमा पंडाल शंकर भगवान मंदिर परिसर में गांव के कन्याओं ने दीपावली के दूसरे दिन में शाम को गांव के ही कन्याओं द्वारा भगवान गणेश माँ लक्ष्मी महाआरती किया, जिसमें गांव के समाज सेवी धीरेन्द्र कुमार शर्मा और पैकरवा यादव और अरुण कुमार यादव ने महाआरती में भाग लेने वाली महाआरती सम्मिलित कन्याओं को सम्मान हेतु कॉपी किताब पेन और भगवान गणेश माँ लक्ष्मी की प्रतिमा भेंट कर कन्याओं को सम्मानित किया। इसी क्रम में महाआरती करने वाली कन्याओं को रेडक्रॉस सोसाइटी के द्वारा भी कन्याओं को भव्य स्वागत कर सम्मानित किया गया। रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा नशा मुक्ति महाअभियान के तहत ग्राम चौपाल का आयोजन भी किया गया। उपस्थित लोगों का आह्वान करते हुए सभी संजीव श्रीवास्तव एडवोकेट ने कहा कि समाज के सभी लोग नशा मुक्त महाअभियान में बढ़ चढ़कर सक्रिय और प्रभावी करें, तभी नशा उपभोग उत्पाद और विक्रय पर पूर्ण विराम संभव है। आयोजित चौपाल का आयोजन गणेश देव और लक्ष्मी माता की सामूहिक स्तुति गान और आरती गायन से हुआ, जिसमें रमेश कुमार समयदीन यादव ने किया। कार्यक्रम का सेवा कार्य प्रदीप कुमार विश्वकर्मा ने किया। धीरेन्द्र कुमार शर्मा ग्राम प्रधान ननकऊ प्रसाद मौर्या ने शर्मा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उपनिरीक्षक थाना रुपईडीहा सुरेश सिंह, उपनिरीक्षक ग्राम शंकर यादव थाना नवाबगंज और सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। समापन अवसर पर सामूहिक रूप से नशा उन्मूलन महाअभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया गया। लाइव टीवी समाचार के लिए धीरेन्द्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, बहराइच नानपारा से। और दूसरी बात, राज्यपाल महोदय की ओर से जो हमारे समाज सेवी है, जो हमारे ग्राम प्रधान के लोग हैं, पीटीसी लोग हैं, सबको सम्मान करने का भी एक बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रयास में हम माता जी को राज्यपाल महोदय की ओर से। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं ऐसी ही तमाम खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ।